संविधान दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा पोस्टर व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में विधि संकाय विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि प्रतियोगिता में विधि विभाग के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है तथा प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर विधि संकाय द्वारा प्रभात फेरी निकाला जाएगा। इस अवसर पर विधि विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश राय, डॉक्टर सुमनलता चौधरी सहित विधि विभाग के विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधि संकाय विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका टॉपिक है धर्म निरपेक्षता भारतीय संविधान की रीढ़ है। कल हमारे प्रोग्राम है 26/11/2021 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी विधि संकाय भवन से प्रारंभ होकर के प्राचीन इतिहास के गेट से होते हुए विश्वविद्यालय चौराहा से होते हुए विश्वविद्यालय के मेन गेट से होते हुए फिर विधि संकाय होते हुए दीक्षा भवन से पर समाप्त होगी। और उसी दिन 11:30 बजे हमारे विभाग के पूर्व अध्यापक आचार्य प्रतापादित्य राम त्रिपाठी के स्मृति में एक व्याख्यानमाला 11:30 बजे दीक्षा भवन में प्रारंभ की जाएगी। क्या उद्देश्य था इसका पोस्टर प्रतियोगिता? यह पोस्टर प्रतियोगिता संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ही यह सब आयोजित किया जा रहा है। सम्मानित भी किया जाएगा छात्रों को जो अच्छा जी जी जो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे।